हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट हमने देखा था व्हाट इज़ करेंट डेंसिटी, व्हाट इज़ करेंट, ये सब टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं करेंट और करेंट डेंसिटी के बेसिस पर 3 न्यूमेरिकल, जिसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा इलेक्ट्रिक करेंट के ऊपर है, सेकेंड और थर्ड जो है वो डेंसिटी के ऊपर यानी करेंट डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द करेंट थ्रू अ वायर वेरीज विद टाइम एज आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी। हमें कह रहा है कि एक वायर में से जो करेंट फ्लो हो रहा है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेराइज हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू बदल रही है। कितना बदल रहा है, किस हिसाब से बदल रहा है, तो वो बदल रहा है आई इज इक्वल टू आई जीरो प्लस अल्फा टी के अनुसार बदल रहा है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, आगे हमें कह रहा है कि वेयर आई इज आई नॉट इज इक्वल टू 10 एम्पीयर एंड अल्फा इज इक्वल टू 4 एम्पीयर पर सेकेंड, तो फाइंड द चार्ज दैट फ्लोस अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो हमें कह रहा है अगर यहाँ पे इस I नॉट की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर है और अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर पर सेकेंड है, ठीक है, तो हमें कह रहा है कि इसमें से फ्लो होने वाला चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, कितने टाइम में, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू फर्स्ट 10 सेकेंड में। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है फर्स्ट 10 सेकंड के अंदर उस क्रॉस सेक्शन में से कितना फ्लो होगा। यहाँ पे फर्स्ट 10 सेकंड का मतलब है जब से हमने स्विच को ऑन किया या फिर जब हमने उसको फ्लो कराया तब से लेके 10 सेकंड के अंदर। क्लियर हो गया, तो देखो तो हमें क्या दिया है, हमें दे दिया है आई, फॉर्मूला क्या होता है, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करेंट, जो करेंट का हमने डेफिनेशन देखा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यही था। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू डी टी, सो देयरफॉर द टोटल चार्ज, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1, द टोटल चार्ज फ्लोज across a cross section of the wire in t is equal to 0 to t is equal to 10 second is, कितना होगा, तो इसको हम ले लेते हैं कितना होगा, तो वो हो गया q is equal to integration T1 to T2 dQ, clear? So Q is equal to, what is the value of T1? 0 to 10, so first 10 second, I into dT. So what is the value of I? So 0 to 10, I is equal to I naught plus alpha T into dT. So we can write it, I naught into dt 0 to 10 plus 0 to 10 alpha t into dt, clear? So यहां पे i constant है तो i not constant है तो बाहर आ गया, तो integration होगा dt का, तो आ गया हमारा क्या t 0 to 10 plus alpha constant है और t का integration होगा t square by 2 0 to 10, clear? तो हमें क्या मिला, therefore q is equal to I naught 10 minus 0 plus alpha into 10 square by 2 minus 0. So therefore Q is equal to kitna hai? I naught ki value 10. I naught ki value kitni hai? 10. So 10 into 10 plus kitna hai? Alpha. Alpha ki value kitni hai? 4. So 4 into 50. आंसर हो गया 100
प्लस 200, सो आंसर 300 कूलम। क्लियर? तो इन फर्स्ट 10 सेकेंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द वायर अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 300 कूलम। तो किसी वायर के क्रॉस सेक्शन में से फर्स्ट 10 सेकेंड के अंदर फ्लो होने वाले चार्ज की वैल्यू कितनी, अमाउंट कितनी है, मात्रा कितनी है, तो 300 कूलम है। क्लियर हो गया? तो जल्दी से आप इसे नोट करो, सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमने सिंपल फॉर्मूला लिखा आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो गया आई इंटू डी टी। फिर हमने क्या कहा कि T1 जीरो से लेकर T2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड के अंदर कितना होगा करंट, तो सॉरी चार्ज कितना होगा, तो हमने कहा कि Q इज इक्वल टू T1 टू T2 इंटीग्रेशन ऑफ DQ। सिंपल हमने सॉल्यूशन किया तो हमें I इंटू DT मिला। I की वैल्यू हमने रखा जो हमें क्वेश्चन में दिया था, जो प्रश्न में दिया था, या फिर हमने सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद इंटीग्रेशन किया तो हमें फाइनल आंसर मिला कितना, तो आई जीरो टी जीरो टू 10 अल्फा टी स्क्वायर बाय टू जीरो टू 10। तो टी की वैल्यू हमने पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के फॉर्मूला में, और आई नॉट और अल्फा का कांस्टेंट है वो दिया हुआ था हमें, तो हमने उन वैल्यू को पुट किया था, हमें फाइनल आंसर मिला 300 कूलम। क्लियर हो गया? जल्दी से इसे नोट करो। तो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 0.2 mm यानी 2 mm डायमीटर कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू 5 mm डायमीटर आयरन वायर। थोड़ा पहले आप फिगर देख लेते हैं। हमें कह रहा है कि एक आयरन का वायर है ये, सपोज ये, ठीक है, ये है, क्लियर। हमें कह रहा है कि इसका डायमीटर कितना है, तो इसका डायमीटर है, ये आयरन है Fe, और इसका डायमीटर है 5 mm। ठीक है, और हमें कह रहा है कि इसमें 0.2 यानी कि इसके अंदर एक और वायर लगा है, ये किसका बना हुआ है, कॉपर, और इसका हमें डायमीटर यानी व्यास दिया हुआ है 0.2 mm। ठीक है, तो हमें कह रहा है द करेंट फ्लो थ्रू बोथ द वायर द करेंट फ्लो थ्रू बोथ द वायर इफ 8 ampere करेंट फ्लो थ्रू द कॉपर। अब यहां पे देखो दोनों में करेंट फ्लो हो रहा है, यानी कि दोनों में धारा प्रवाहित हो रहा है, दोनों में करेंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है कहां से, तो कॉपर से, यानी यहां से करंट फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है। अब यहां पे चीज देखो सिंपल सा है कि अगर मैं यहां से 8 ampere करंट इसमें दूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन से करंट का तो कोई लेना देना है नहीं। हमने क्या कहा, तो मैंने तुम्हें कहा कि टी टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है अगर वो क्यू है तो 1 second में चार्ज कितना फ्लो होगा, तो वो हो गया Q/T, और इसी को हमने कहा था करंट। तो अगर 1 second में यानी कि जो करंट की वैल्यू है वो अगर यहां से 8 ampere है तो उसी यूनिट टाइम के अंदर इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी कितना होगा, 8 ampere। इसका मतलब हुआ कॉपर में से 8 ampere करंट है तो आयरन में से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, 8 ampere करंट ही फ्लो हो रहा है। यही एक यहां पे की पॉइंट था, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, देख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है पहले हम उसे नोट कर लेंगे। हमें दिया है डायमीटर ऑफ, किसका दिया है डायमीटर, कॉपर DCU, कितना दिया है 0.2 mm। तो रेडियस ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.2/1 यानी 0.1 mm। ठीक है, फिर हमें दिया है डायमीटर ऑफ Fe, कितना दिया है 5 mm। तो डायमीटर रेडियस ऑफ Fe कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2.5 mm। क्लियर, फिर हमें कह रहा है कि जो I है CU वो कितना था, 8 ampere। अभी अभी हमने क्या देखा, तो Fe में भी I कितना हो जाएगा, तो क्लियर हो गया वो भी होगा 8 ampere। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्या, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द करेंट फ्लोइंग थ्रू द आयरन वायर एंड द करेंट डेंसिटी।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो करंट तो हमने देखा, तो हम क्या लिख देंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, द करंट फ्लोस थ्रू द आयरन वायर इज सेम द करंट फ्लोस थ्रू द कॉपर वायर इन यूनिट टाइम. सो देयरफॉर जो अभी हमने लिखा ICU इज इक्वल टू IFE इज इक्वल टू 8 एम्पियर. ठीक है, सेकेंड हमें कह रहा है करेंट डेंसिटी, तो फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल है फॉर्मूला है J इज इक्वल टू I बाई A. तो I A कितना है, तो A हो गया पाई, क्योंकि हमें फाइंड करना है FE, है ना, तो पाई आर एफ ई स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हो गया जे एफ ई इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू है 8, पाई कितना है 3.14, आर कितना है तो 2.5 × 10⁻³, क्योंकि वो mm में है, तो इसको मैं कर सकता हूँ 2.5 × 10⁻³ मीटर. तो सिमिलरली इसको कर दो 0.1 × 10⁻³ मीटर. ठीक है, स्क्वायर, बाकी कैलकुलेशन करने का जिम्मेदारी तुम्हारी, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और यहाँ पे जो भी फाइंड करोगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में तुम्हें क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा. क्लियर हो गया. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसी का, तो ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन हमें कह रहा है द करंट डेंसिटी इन द कॉपर वायर. तो ये सिंपल है, कॉपर वायर सेम क्वेश्चन है, जे इज इक्वल टू जे सी यू इज इक्वल टू आई सी यू अपॉन कितना है, तो हो जाएगा यहाँ पे ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर, ये भी 8 एम्पियर है ना, और कॉपर का भी एरिया हो जाएगा पाई आर कॉपर स्क्वायर, तो 8 अपॉन 3.14 इंटू 0.1 × 10⁻³ होल स्क्वायर. बाकी इसको कैलकुलेट करो, जो आएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर वो क्या है, वो होगा क्या, करंट डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर. सिंपल था क्वेश्चन, खाली हमें समझना था, तो आसान था समझना. यहां से हमें कह रहा है कि 8 एम्पियर है, एकदम एग्जाम्पल सिंपल सा ले लो, सपोज करो कि एक पाइप है, ठीक है, नोजल वाला देखो, कार वॉश या फिर तो हम बाइक वॉश करने के लिए जो यूज करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, नोजल को छोटा कर दिया जाता है ना, जहां से पानी निकलता है उसको हम छोटा कर देते हैं, प्रेशर को उतना ही रखा जाता है यानी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन नोजल छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वहां से निकलता है उस अमाउंट ऑफ वाटर की वैल्यू क्लियर होता है, उतना ही होता है, लेकिन साइज छोटा होने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है. ठीक है, तो क्या होता है उससे, उससे होता यह है कि वो उतने ही अमाउंट में वाटर को बाहर क्या करता है, वो स्प्रे करता है या फिर तो बाहर निकालता है, लेकिन उसमें होता क्या है, लेकिन होता ये है कि वहां से जो क्रॉस सेक्शन है उसका वो छोटा हो गया, लेकिन वही उतना ही वाटर क्या हो रहा है वहां पे निकल रहा है, इसकी स्पीड में चेंज हुआ. तो सिमिलरली यहां पे होगा, जितना बड़ा होगा वो इजिली फ्लो कर पाएगा, उसको फ्लो में आसानी होगी, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 8 एम्पियर फ्लो कराया है तो 8 एम्पियर ही अंदर एंटर कर रहा है, तो यानी कि 8 एम्पियर के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वही अंदर एंटर कर रहा है. ठीक है, तो वही क्या हो रहा है, आगे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसलिए यहां पे अगर 8 एम्पियर करंट है तो इस आयरन में भी 8 एम्पियर ही करंट होगा. क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करो, हम देखते हैं फाइनल क्वेश्चन. ओके, तो फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमें, द करंट डेंसिटी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर. तो देखो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एक क्या है, ये एक वायर है. ठीक है, ये हो गया उसका एक्सिस, और ये रेडियस हमें दिया है कितना है, आर. ठीक है, देखो आगे, तो एंड कह रहा है कि गिवन बाय, एंड द करंट डेंसिटी इज गिवन बाय जे इज इक्वल टू जे जीरो वन माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और हमें क्या दिया हुआ है, हम नोट कर लेते हैं,
हमें करंट डेंसिटी दिया है जे इज इक्वल टू जे नॉट वन माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो कह रहा है फाइंड द करंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉरी द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज गिवन बाय आर। तो यहां से हमें कह रहा है कि आर डिस्टेंस पर, यानी इसको अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूं, देखिए जैसे ये है, तो ये जो है यहां पर इस तरह से है, ये हमें रेडियस दिया हुआ है कितना है, आर है। तो यहां से एक छोटा सा अगर मैं डिस्टेंस ले लूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, कितना है ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस पर हमें कह रहा है क्या फाइंड करो। तो यहां पे तुम्हें कह रहा है कि फाइंड करो कि इसका करंट कितना होगा इसमें, ठीक है ना, इसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी होगी फाइंड करो। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा थिकनेस ले लेते हैं आर डिस्टेंस पर, ये थिकनेस सपोज कितना है, तो ये थिकनेस है सपोज करो डी आर, तो सपोज करो थिकनेस कितना है डी आर है। तो इस डी आर थिकनेस पर हमें फाइंड करना है कि इसके रेडियस में से कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, यानी पूरे में हमें कितना करंट फ्लो हो रहा है फाइंड करना है। तो देखो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फॉर्मूला हमारा क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए, कल ही हमने इसको लास्ट डिराइव कराया था। तो डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा जे डॉट डी ए, याद है ना आपको, तो तुम्हें मिलेगा जे डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो तुम्हें मिलेगा जे इंटू डी ए, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है वन, यानी कि थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्यों? देखो जब मैं ये क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ, यानी कि यहाँ पे, तो ये क्रॉस सेक्शन में करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है ना, और अगर इस तरह से है क्रॉस सेक्शन, करंट का फ्लो ये है, तुम्हें मैंने कहा था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पदार्थ का सतह का जो एरिया वेक्टर है, यानी जो क्षेत्रफल सदिश है, वो हमेशा कैसे होता है, उस सतह के उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये क्रॉस सेक्शन है, अगर ये करंट का डायरेक्शन ये है, तो इस सरफेस के अंदर जो डायरेक्शन होगा इस सरफेस एरिया का, वो भी ये होगा। तो करंट का डायरेक्शन भी ये है और सरफेस एरिया का भी डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, पैरेलल हो गया, तो एंगल कितना होगा जीरो। तो इसलिए हमने यहाँ पे थीटा कितना लिया है, जीरो लिया है। तो हमें जे इंटू डी ए मिला, तो हमें क्या दिया हुआ है आगे, सो डी आई इज इक्वल टू जे की वैल्यू दिया है हमें जे नॉट वन माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये डी ए है तो कितना हो जाएगा, तो हमने लिया है आर डिस्टेंस पर, तो ये हो गया है क्या डिस्क हो गया, और इसका एरिया कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। क्लियर हो गया? ओके सो इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, कैसे आया, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द डिस्क, ठीक है ना, तो क्या होगा डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। 2 पाई आर क्या हो गया, तो 2 पाई आर हो गया इसका क्या सर्कमफेरेंस, और डी आर हो गया उसका थिकनेस, तो सिंपल सा था लेंथ इंटू ब्रेथ का हमने फॉर्मूला लगाया, तो लेंथ हो गया 2 पाई आर यानी सर्कमफेरेंस, और ये हो गया डी आर उसका थिकनेस, ठीक है। ओके सो नाउ द टोटल करंट फ्लोस अक्रॉस आर वन इज इक्वल टू जीरो टू आर टू इज इक्वल टू आर इज कितना होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर वन टू आर टू इंटू डी आई। क्लियर? सो I इज इक्वल टू आर वन कितना है, जीरो टू कैपिटल R, जे जीरो वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू टू पाई आर इंटू डी आर। क्लियर? तो अगर ब्रैकेट को थोड़ा ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, तो पहले यहां से कॉमन क्या जा रहा है, तो कॉमन है जे जीरो क्योंकि कांस्टेंट है टू पाई, तो सिर्फ जे जीरो टू पाई कांस्टेंट ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है यहां पे जीरो टू आर, तो बचा आर इंटू डी आर, ठीक है, माइनस जीरो टू आर, यहां क्या बच जाएगा, तो यहां बच जाएगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर। क्लियर? तो ये हो गया
टू जे जीरो इंटू पाई, तो इसका कितना आ जाएगा, अभी हमने किया था आर स्क्वायर बाय टू और लिमिट हो गया जीरो टू आर, माइनस कितना है तो ये हो जाएगा हमारा कितना आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर क्यूब, आर क्यूब का हो गया आर फोर बाई फोर, आर स्क्वायर भी है जीरो टू आर। क्लियर हो गया। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है या फिर इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम है तो हम एक सिंपल इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल का सेशन रखेंगे, अगर आपको वो सेशन देखना है या फिर आपको जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि क्या आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल का एक सेशन मुझे करना चाहिए आपके लिए। अगर हाँ है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, कैसे किया तो आर स्क्वायर इंटू आर हो गया आर क्यूब, आर क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा आर टू द पावर फोर बाई फोर, और पहले से आर स्क्वायर था इसलिए मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर को रहने दिया, ठीक है। इसको हम निकाल देते, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। देखो तो क्या मिला हमें, तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू टू पाई जे जीरो, ये कितना आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। फिर माइनस क्या होगा, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। तो कितना आ गया फाइनल आंसर, टू पाई जे जीरो, यह आ गया आर स्क्वायर बाय टू माइनस कितना है आर आर टू द पावर फोर बाय कितना है सॉरी फोर बाय कितना है फोर आर स्क्वायर, तो एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो हमें मिला क्या, तो हमें मिल गया यहां पे अंदर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा टू पाई जे जीरो। अब यहां पे क्या बचा, आर स्क्वायर बाय फोर है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर सॉरी माइनस करूंगा तो क्या होगा, टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर, तो हमें फाइनल सोल्यूशन क्या मिला, आई इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया, और ये टू से कैंसिल करेंगे तो टू, तो क्या हो गया पाई जे जीरो बाय टू इंटू आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, कैसे हो गया, तो देखो ये पाई जे जीरो बच गया और यहां पे आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना बचा, आर स्क्वायर बाई टू, तो आई इज इक्वल टू पाई जे जीरो बाई टू इंटू आर स्क्वायर। सिंपल डेरिवेशन था, आपको खाली यही समझना था कि ये कैसे आया, बाकी यहाँ पे इंटीग्रेशन है। अगर आपको अभी इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, आप ट्वेल्थ में हो, अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो हम कंप्लीट जो मैथ वाला जो पूरा इंटीग्रेशन हम उसको नहीं करेंगे, हम सिंपल और बेसिक इंटीग्रेशन करेंगे जो बायो वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे समझ में आ जाए और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिले, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूरे बुक में हर चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है और मुझे इंटीग्रेशन का सेशन करना है तो जितने भी व्यूअर्स जो मुझे 100 या 150 तक जो व्यूज मिल रहे हैं उनमें से अगर आप मैक्सिमम अगर 10 टू 15 स्टूडेंट्स का अगर कमेंट आता है उस सेशन को करने के लिए तो हम डेफिनेटली सेशन को करेंगे। तो अगर आपको इंटीग्रेशन का सेशन करना है, मुझे चाहिए करना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट सेशन में उसको मेंशन कीजिए और मिनिमम 15 होना चाहिए। अगर 15 कमेंट होगा उसको यस करके आप यस लिख दीजिए सिर्फ, तो भी हम क्या करेंगे इसके लिए सेशन करेंगे। और प्लीज इस बार लाइक का जो टारगेट है वो 50 है और 50 लाइक्स इस बार बनता है, तो प्लीज उसको कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में सब्सक्राइब के बगल में रहे हुए बेल को भी क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू वेरी मच।